नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक के कई वीडियो आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे। कुछ इसी कड़ी में ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से सुर्खियों में आया है। बता दें, जिले के बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर और पुलिस इंस्पेक्टर उत्तम चंद पटेल के बीच तीखी नोकझोंक के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, किस तरह दोनों सांसद और इंस्पेक्टर एक दूसरे पर गरजते बरसते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मामला बीते रविवार 25 जून का है, जब फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा आयोजित की गई थी। मौके पर तैनात इंस्पेक्टर उत्तम चंद पटेल ने जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को जनसभा में वाहनों को ले जाने से रोका, तभी मौके पर मौजूद बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर और उनके बीच जमकर कहासुनी हो गई। बता दें, जब पुलिस इंस्पेक्टर के मिजाज बढ़ते गए तो सांसद ने पूछ लिया कि कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता है तू। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर ने भी तीखे स्वरों में जवाब देते हुए कहा, मैं कार्यकर्ता नहीं, पुलिस वाला हूँ। आप जैसे लोग हमसे यहाँ बदतमीजी करे क्या, इसलिए हम यहाँ हैं? बीजेपी सांसद राजकुमार की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जनसभा में आने को करीब 50 मिनट की देरी थी और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को आयोजन स्थल से 800 मीटर पहले ही रोक दिया था। जब उन्होंने कार्यकर्ताओं को जाने के लिए आवाज उठाई तो ये बात पुलिस इंस्पेक्टर को नागवार गुजरी और वो जबरन उनसे उलझ पड़ा, जिसके चलते उन्होंने भी उसको करारा जवाब दिया। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने इस बारे में आगरा पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दर्ज कराई है। राजनाथ सिंह की जनसभा के बाद सांसद राजकुमार चाहर और पुलिस इंस्पेक्टर के बीच हुए इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें, पुलिस इंस्पेक्टर उत्तम चंद पटेल मौजूदा समय में थाना सिकंदरा में इंस्पेक्टर क्राइम के पद पर तैनात हैं। वह कागरौल किदवई इंटर कॉलेज जनसभा स्थल पर VIP ड्यूटी पर तैनात थे।